Assalamu alaikum, Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, and Pura Pakistan. आपको आठ सलाम हमारे कबूल कीजिए. कभी कभी कुछ एक चीज से जो है वो दिल नहीं भरता, या आपको ऐसा लगता है कि एक चीज आपके लिए पूरा नहीं बैठती, तो फिर आपको ज्यादा चीजें जो है वो मिलनी चाहिए. लोगों को वैसे भी ज्यादा ज्यादा कुछ मिले, प्यार ज्यादा मिले अच्छा लगता है, तोहफे ज्यादा मिले अच्छा लगता है, खुशियां ज्यादा मिले अच्छे लगते हैं. तो इस तरह से जो है वो कुछ चीज ज्यादा अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मुझे तो अच्छे लगता है. तो सात सलाम मैं पहले लोगों को बोला करता था, आज मैं आठ सलाम आपको बोल दीजिए, बिकॉज कोई एक और खास सलाम जो कुछ मतलब मैंने कहा कि एक और खास सलाम जो है वो दे देना चाहिए. तो ओके जी, तमाम खूबसूरत लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, सलाम भी और प्यार भी, और उनकी खुशियों के लिए बहुत सारी दुआएं भी. आई विश एंड प्रे जहां कहीं भी आप लोग हों, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हों. ये वैसे तो छोटी सी वर्ड है, छोटी सी बात है, दुआ है, लेकिन इसकी बहुत लंबी फिलॉसफी है. इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, इन छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को बताने के लिए कि हाँ यार ये हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आए हैं, खुशियाँ लेके आए हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे आप बहुत कुछ खुद कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए आपके चाहने वालों की दुआएँ, या आपके ना भी चाहने वाले हों, या आपके जैसे भी लोग हों, मतलब जिनके साथ जो है वो कोई आपका ऐसा कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी कुछ दुआएँ जो है कभी कभी कुछ काम लेके आती हैं आपको मुश्किल चीजों से. आप पता नहीं है कितनी दफा आप सोचते हैं, ओह माय गॉड यार यहां से तो मैं गाड़ी ऐसे निकालने लगा था, मैं तो पता नहीं कैसे बच गया. कभी कभी ऐसे आप कुछ करते हुए किचन के अंदर कहीं पे ऐसे गिरते गिरते जो है वो बच जाते हैं. हाँ, कभी कभी कुछ खोते हुए आपका जो है वो रुक जाता है, मतलब आप खोते नहीं है, वो आप ही के पास रह जाता है. कभी कभी कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको जिंदगी के अंदर. तो ये चीजें जो है वो जहाँ पे ऊपर वाले की आपके लिए जो है वो ब्लेसिंग है, तो उसके साथ साथ में जो है वो कुछ खास लोगों के साथ जुड़ के ये दुआएं भी बन जाती हैं. सो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच. एक तो पता नहीं ये लोग जो है वो क्या है, मेरा दिल करता है मैं आपको बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करूं, और वो उसके अंदर मैं कभी कभी बहुत लंबा बोलता हूँ ना, तो क्या करें यार. ऐसा होता ना कि आपको लोगों को उनकी अच्छी और बुरी चीजों के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए. आई डोंट नो ये पता नहीं अच्छी और बुरी चीजें हैं, लेकिन ये ज्यादा बोलने की जो है वो कुछ है ना कहानी. आप इसको अच्छा समझ के रख सकते हैं तब रख लीजिए, अगर बुरा समझ के रख सकते हैं तब भी रख लीजिए, लेकिन किसी को ऐसे लीजिए जैसे वो है. किसी को बदल के अगर उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे या अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आई थिंक सौदा सा हो जाएगा एक ऐसा. तो बिजनेस नहीं हमें करना ना, हमें बिजनेस नहीं करना, हमें सिर्फ अपने दिल की बातें करनी है. माय नेम इज ज़ेबी, मेरा नाम जहां ज़ेब है लेकिन मेरे दोस्त मुझे ज़ेबी कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज दोस्तों की सब चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो दोस्तों का ये नाम लेना पुकारना भी अच्छा लगता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो ऑन मस्त एफएम 103, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान, दुनिया भर में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोग हमें सुन रहे हैं, दैट इज मस्त एफएम 103, और बहुत सारी और ऐसी सोशल एप्स हैं जिसके ऊपर आप हमें ट्यून कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आज के शो में हम बहुत उन लोगों की जो अच्छे अच्छे नहीं हैं, जो अच्छी चीजें नहीं जिंदगी के अंदर करते, उनकी अब वाट लगाने वाले हैं, हम उनसे कुछ बातें करने वाले हैं. सो कहीं जाइएगा नहीं, मेरे शो को ट्यून इन करके रखिएगा और दिल की बातें भी शेयर कीजिएगा. सो हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ माय शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाना लगियां बारिशां. सुके सुके सपने विपज गए, नैना लगिया बारिशां, रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी, नैना लगिया बारिशां, हंज डिग देन चोट लगे दिल ते, नैना लगिया बारिशां, रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई, काली काली खाली रातों से होने लगी दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं, हर पल हर लम्हा मैं
बातों से होने लगी है दो सदी। खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं। हर पल हर ladies and gentlemen, a beautiful, beautiful song. क्या बात है यार, कभी कभी कहते हैं ना कुछ बातों के अंदर ही सारी कहानी होती है। तो आज के शो की सारी कहानी जो है वो इसी गाने के अंदर ही है। चीज मैं एक सोच रहा था कहीं दूसरी के ऊपर लेकर, आज बेवफाओं से हमने टैकल करने का, और उनको जब कोई बेवफाई कर जाए, आज हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था कि जब भी जिंदगी के अंदर कभी आपसे कोई बेवफाई कर जाए तो हमें उसके ऊपर आज की दुनिया के अंदर क्या रिएक्शन करना है और क्या करना है हमने उसके साथ था। तो आज हमने कुछ मुख्तलिफ तरह के सोचो रखने वाले लोगों को मुख्तलिफ तरह की बेवफाइयों के ऊपर जो है वो कैसे हम रिवर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिवर्ट करते हैं, हमने आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना था। बट विद द बिगनिंग मेरे जहन में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ आई वो काली रातों की आई है, और वो काली रातों तो मैं सोच रहा था कि जब आपके साथ कोई ज़िंदगी में बेवफाई कर जाता है तो जो पहली चीज किसी आपके साथ किसी की दोस्ती होती है तो वो ये काली रातें हैं शायद होती हैं। मतलब उससे पहले शायद आपने होता होगा इनके साथ, उस वक्त भी आप अपनी जिंदगी में चल रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन दोस्ती आपकी नहीं किसी के साथ हुई होती। तो कुछ चीज़ें जो आपका साथ बनती है ना उनमें ये काली रातें भी जो है वो एक चीज़ है। तो बट इट इज़ अ फुल फ्लैज टॉपिक जो हम किसी अपने शो में आएंगे और आपके साथ बात करेंगे कि बेवफाई के बाद जब आप अकेले रह जाते हैं तो पहली दोस्ती आपकी किसके साथ होती है, अपने आप के साथ होती है, आप जो है वो अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं, यू जस्ट मेक ए कनेक्शन विद द वन, मे बी इन योर सिबलिंग, मे बी द वन मदर एट योर बैक, मे बी अ फ्रेंड वेरी क्लोज टू यू जिसके साथ आप सारी बातें जो है वो शेयर कर पा सकते हैं। लेकिन मुझे कभी किसी ने ये भी बताया है कि यार आजकल के लोग, आजकल के दोस्त जो हैं वो आप उनके साथ अपने दिल की बातें भी नहीं शेयर कर पाते। तो जब जब आप उनके साथ बातें नहीं शेयर कर पाते तो आपको ये पता लगता है कि नहीं 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 ये तो हमारे दोस्त ही नहीं है। जहाँ पे आपको ये हेजिटेशन फील होना शुरू हो जाए कि आप अपनी ज़िंदगी की बात ना उनके साथ शेयर कर सको, अपनी खुशी गम अपने अंदर का इंसान ना दिखा सको, आपको ये ना लगे कि ये लोग आईना है, तो बस समझ लीजिए कि वो आपका ताल्लुक सही नहीं है, वो आपके दोस्त
नाम के तो शायद हो सकते हैं बट वो वाकई में दोस्त नहीं है आपके, उसको कोई और नाम दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। सो दोस्तों हम इस टॉपिक को करेंगे और फटाफट से वो लोग जो मतलब हमें जो है वो मैसेज डाल दें या बता दीजिए, मैं अपने वैसे लिख भी लिया है एक पर्ची के ऊपर मैंने ये टॉपिक नेक्स्ट अपने किसी शो के अंदर जो है वो लेके आना है। अब ये पर्ची उस वक्त तक मेरे पास रहती है कि नहीं इसका मुझे अब कोई पता नहीं है, ये मेरे साथ कहीं बेवफाई ना कर जाए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन मास्ट एफएम 103 पाकिस्तान प्रीमियर रेडियो स्टेशन। माय नेम इज ज़ेबी, बाय द वे नाम जहां ज़ेब है सो Zebi or alternatively Jahan Zeb, whatever you want to say to me, but it is all about Jahan Zeb Zebi show jo Mast FM 103 pe aap log sun rahe hain. It's a surprise show yaar, aaj bilkul mera mood nahi tha show karne ka, bas kehte hain ki kya hai yaar, kabhi kabhi phir ye hota hai ki wo cheeze nahi hoti jaise jaise aap soch rahe hote, balki bahut sari cheeze us tarah se hoti hain jaise aap nahi soch rahe hote hain na, to aapki kuch cheeze aapke plans jo hain wo tootte hain to phir matlab अल्टर होते हैं ना, हाँ तो यही सबकी कहानी है यार। ओके, रुलाने वाले बेवफा लोगों के लिए आज का शो है, हम उनसे पूछेंगे उनको मुझे किसी ने, मैं अभी आज सोच रहा था तो मैंने कहा हो सकता है जब मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था यार ये टॉपिक होगा, तो मैंने कहा कि ये बेवफा लोगों के बारे में लोग यूजुअली क्या कहेंगे, स्पेशली लाइक हमारे पंजाब की एक बड़ी खास है तो वो लोग, मैंने कहा शायद कोई हो सकता है ऐसा कॉमेंट भी आए कि कोई कहेंगे उनके ऊपर लाख की लानत जो है वो डालेंगे हम लोग। अच्छा फिर मैंने सोचना ये छूटी थी यार लाख की क्यों कहते हैं यार, इनके ऊपर तो करोड़ की होनी चाहिए, 22 करोड़ की होनी चाहिए यार। तो I mean, I was just making fun कि यार ये जो सियानों ने बहुत बड़ी बातें कही हैं इनके पीछे भी कोई ना कोई बात है, उस वक्त दुनिया थोड़ी सी छोटी थी इसलिए उन्होंने लाख की लानत डाली है इनके ऊपर, अब क्योंकि इट इज ऑल अ ग्लोबल वर्ल्ड तो यार अब क्या करें, ऑन द डिजिट सब कुछ आपकी एक्सेस में है तो अब हम करोड़ों में भी डाल सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल नेटवर्क्स पे भी आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाइए, लाहौर कराची इस्लामाबाद मुल्तान आई एम श्योर कि सब जगह के ऊपर हम लोग एक्टिव हो गए होंगे लाइव होंगे और ये मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो मुझे बता भी देगी अभी तक तो ओके इन सब शहरों में आप लोग हमें सुन रहे हैं, अपने मोबाइल फोन उठाइए राइट मैसेज मोड में जाके FSD लिखिए, यस FSD FSD लिखने के बाद एक स्पेस दें, अपना नाम लिखें और खाली अपना नाम लिख के अपने शहर का नाम लिख के सेंड करें 6278 पे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऐसा ना हो कि हम भी आपको बुला दें, तो अपने आप को किसी की दूसरे की जिंदगी के अंदर अलाइव रखने के लिए वाइब्रेंट रखने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ता है तो ये जरूरी है, नहीं तो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड समवेयर। कि जिन लोगों ने SMS हमें कर लिए हैं तो SMS के बाद आपने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पे हमें ट्रैक करना है, मस्त FM 103 के पेजेस पे जाइए, इंस्टाग्राम पे ट्विटर हैंडल भी सेम ही है Mast FM 103, वहाँ पे भी जाके कमेंट कीजिए, वहाँ पे पेज के ऊपर आपको स्टेटस भी ज़ेबी शो का जो है वो मिल जाएगा, मे बी लाइक अ लव स्टोरी और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ पे जाके अपने कॉमेंट छापिए, बताइए अपने दिल की बातें और स्पेशली कि हमने बेवफा अगर आपके साथ कोई कर गया तो अब हमने उसके साथ क्या करना है, आप फटाफट से बता दीजिए, बंदूकें निकालनी है, हाथ जलाने हैं, क्या कुछ करना है आपने, सो लेट्स सी क्या कॉमेंट आते हैं लोगों के, क्या बातें आती हैं, लोग सोचते कैसे, बट जो भी सोचिएगा वो ऐसा है नहीं है कि हमने कुछ किताबों से चीजें निकालनी है, बट वो निकालनी है जो हमारे मन के अंदर है, यानी हमारे साथ अगर कोई करने लगे कोई भी अहमद टीना सलमान रोहा जो भी मतलब आपकी जिंदगी में रियल लोग जो है उन लोगों को सोचिए और उन्हें सोचिए कि वो ये करेंगे तो आपने क्या करना है। जुदा जैसे
Sophia. So ladies and gentlemen, a beautiful song, Zebi aapke saath, and you are listening to my show. Pure Pakistan mein enjoy a beautiful, beautiful song. This time Atif Aslam, main pehli dafa. Listening to the Zebi show on Mast 103. Oh, kya baat hai yaar, kehte hai ki
अच्छा मुझे वैसे थोड़ा सा ये लगा मतलब मुझे थोड़ा सा दोस्तों से भी लोगों से पता लगा कि लोगों ने अब एक वक्त होता था कि जब लोग समझते थे कि किसी को बेवफाई हो गई तो अब जिंदगी जो है वो उनकी खत्म हो गई. बहुत एग्रेसिवली लोग सोचते थे कि बस ये जो है वो आखिर है जिंदगी की. और उसकी वजह यही होती थी कि क्योंकि बेवफाई नहीं होती थी, इतना ज़्यादा लोगों का ये कल्चर नहीं बन गया था या लोगों की टेंडेंसीज नहीं थी इस तरह से ना, तो लोगों के लिए ये अनहोनी चीज़ लगती थी. तो अब तो सोच के जो है वो लोगों की सोचों में कहीं पे होता ज़रूर है कि यार ये सब चीज़ें जो हम सोच रहे हैं हो सकता है कि ऐसा ना भी हो. तो इसलिए लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं तो लोगों को टैकलिंग आती है. ये तो उससे पहले की तो आप देखें लोग अपने ऊपर जो है वो बेवफाई के रिप्लाई में जवाब ये देते थे, कोई अपना हाथ काटता था, कोई जो है वो कहीं पे गोलियां खा के बैठा हुआ होता था, विच इज़ लाइक रियली मतलब आप समझिए कि गैर इंसानी तरह की वो चीज़ें हैं जो जिससे जो है वो आपको कोसों पड़े रहना चाहिए. जो मतलब आई फील सो गुड कि अब जो है वो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब लोग पीपल fully understanding that exactly the what is the meaning of life, the life is bigger than anything. और ये है ही नहीं हमारी जिसके ऊपर जो है वो हम लोग ये सब कुछ करने की कोशिश करें ना. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द वन मोर बिग थिंग. ओके तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें इस तरह से सोचना है. तो ऐसा नहीं है लोगों की जो है वो अब प्रायोरिटीज़ जो है वो बदल गई हैं, लोग अपनी बेवफाई की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं. तो अच्छा मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब तहजीब सामने है तो तहजीब की बड़ी खूबसूरत जो है वो एक आगे बिछड़ कर इसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा. मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा. क्या खूबसूरत यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैं अगेन एक दफा मुझे तो ऐसा लगता है इसके लिए जाना पड़ेगा. बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा. मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा. मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो एक हफ्ता लगेगा. क्या बात है यार, एक हफ्ता लगेगा. मैं बहुत फास्ट चल रहा है मेरा दोस्त तो बट मैं थोड़ा सा इसको क्योंकि तहजीब जो है वो इज बिट एग्रेसिव और थोड़ा एरोगेंट भी है कुछ बहुत सारी चीज़ों के अंदर मोहब्बत में. तो शायद अगर मुझे ये लिखना होता तो मैं ये लिखता कि मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो मतलब शायद जिंदगी लग जाए. तो आई मीन समथिंग लाइक पिकिंग अप द वर्ड लाइक दिस, बट तहजीब इज सेइंग कि ज़्यादा भी अगर उसको भूलने में लगा तो मुझे एक हफ्ता लगेगा. एनीवे बिकॉज वी आर एट्रिब्यूटिंग जो तहजीब तो क्या हम इसको कहते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत ख्याल है, बड़े डिफरेंट अंदाज से जो है वो हिट करने वाला. तो जब इस तहजीब आप लोग सुन रहे हैं आतिफ असलम, माय नेम इज ज़ेबी, फटाफट से आइए आप हमारे साथ, दुनिया भर से आप लोग हमारे साथ जहाँ से भी हैं. अच्छा यार मेरी बहन सुन रही है मुझे भाई, मेरी बहन जो है वो कुवैत में सुन रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने आपके पास कुवैत आना था, क्या करें जी. और लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे नहीं होता. तो प्रॉब्ली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज कल के दिनों के अंदर जो है मैंने वहाँ पे होना था. तो नईम मेरे भाई और मेरी बहन आमना जो है वो हमें सुन रही हैं कुवैत के अंदर. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बताऊँ मैं कि आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं और अपने होने का आपने एहसास दिलाया है. सिर्फ आप ही के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हम मोहब्बत अमन के लिए जो है वो बहुत सारी दुआएं करते हुए. कुवैत तो इसलिए है कि कुवैत के साथ हमारी बहुत सारी यादें बातें जुड़ी हुई हैं, मेरी बहुत सारी यादें बातें जुड़ी हुई हैं. आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए जो है वो बहुत सारी नेक तमन्नाएं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास अभी सॉन्ग भी है, वो मैं आपको डेडिकेट करूँगा, आपकी मोहब्बत को ही चलो डेडिकेट करूँगा. और आप ही के लिए नहीं बल्कि जो भी लोग मोहब्बतें करते हैं ना उन सब लोगों की मोहब्बतों के लिए डेडिकेट करूँगा. सो एंजॉय द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग ज़ेबी कहते हैं मुझे. इफ़ यू वांट टू सेंड मी एनीथिंग हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट, एक तो पहले मस्त एफएम 103 के पेजेस को लाइक कीजिए और मेरा अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं दैट इज़ ज़ेबी ऑफिशियल, ZEBI OFFICIAL, ज़ेबी ऑफिशियल पे जाइए, अपनी बात कहिए. ज़ेबी और ऑफिशियल में स्पेस ना दीजिएगा, इकट्ठा लिखिएगा ज़ेबी ऑफिशियल. इवन आप गूगल करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड माय पेज एंड माय रियल
فیس بک پیج آئی ڈی کا مطلب جس کے اوپر 40,000 اراؤنڈ لائکس ہیں, تو کوئی اور اگر پیج ہو تو اس کو بالکل لائک نہ کریے گا, وہ کوئی جعلی پیج بنا ہوا ہے, بلکہ ان کو رپورٹ کریں آپ جا کے. اوکے, سو اسٹریٹ اوے گو فار دا فیس بک, انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر ہینڈل بھی میرا سیم ہی ہے, زیبی آفیشیل پہ جائیے, اپنے دل کی باتیں کہیں. انجوائے دا سانگ ہائے رے, پیار کرنے والوں کے نام. So ladies and gentlemen, we are absolutely back in the show. You are listening to the Zebi Show, Mast FM 103.
And I'm sure like kabhi-kabhi bahut sari depressed situation mein acha Saima hamare sath kehti hai ki aapne bewafa logon ka zikr chhed liya. Tension na le, hum bewafa logon ki achhi kar rahe hain. To isliye aap koi ye na samjhiye ki shayad hum tissue paper ke dibba sath rakh ke apne aansu baha rahe hain. Hum aansu nahi balki hum celebrate kar rahe hain. और आई बिलीव के सेलिब्रेट ही करना चाहिए कि ओके यार हम इनके लिए जिनके लिए हम पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाले थे देने वाले थे तो हम इनसे पहले ही जो है वो हमारी इनसे जान छूट गई है तो ओके दिस इज अ वन मैसेज बट मैसेज एक्चुअली फ्लोटेड बाय मायसेल्फ आप लोगों को अभी भी जो है वो बतानी है अपनी इनकी चीजें तो मेरे बहुत सारे वैसे लोगों ने वो मुझे कहते रहे तू नहीं जा सड़ी कह रहे एक हमारा बड़ा हमारा पंजाब का जो है वो खास एक है यहाँ क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत ही खुले दिल के और बहुत प्यार करने वाले हैं तो वो हर चीज के ऊपर अमानत डोगर साहब हमारे साथ लाहौर सिटी से हैं मारिया हमारे साथ है उन्होंने कहा है कि अल्लाह फिर भी जो है वो उनको खुश रखे क्या बात है यार मतलब किसी ने चाहे कितने ही आपको जख्म क्यों नहीं दिया तो मारिया कहती है कि हम उनको फिर भी जो है वो यही बोलेंगे तो साइमा हमें कह रही थी कि साइमा आप फिक्र ना करें आपको डिप्रेस नहीं होने देंगे हम आसिफ नजीर हमारे साथ है फ्रॉम बिहारी वो कहते हैं कि सब मुझे मुझे ही कहते हैं उसे भूल जा कोई उसे क्यों नहीं कहता कि वो मेरा हो जाए ओ क्या बात है यार क्या बात है यार इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सही बात है लोग हमारी तरह के लोग आपको दिलासे देने आ जाते हैं मतलब वो बेसिकली उनका काम ही जिंदगी में लोगों को दिलासे देना होता है कुछ लोगों का तो, लेकिन ऐसा नहीं है यार उन लोगों को भी बहुत कदर कीजिए देखिए आज की जिंदगी के अंदर ना कसम से आपको अपना आप कोई नहीं देता यकीन करें मरी मक्खी नहीं कोई देता मतलब कोई अगर आपको वक्त देता अपना कोई आपको कुछ बताए कुछ समझाए तो इसलिए आप परेशान ना करें ये दिलासे देने वाले लोग जो है ना ये बहुत एक्चुअली वो आपका अच्छा चाह रहे होते हैं ना आपको अच्छा देखना चाह रहा होता है तो यार मेरे पास तो वो मैंने नहीं सुनाना यार वो फिर बहुत डिप्रेस कर देता है बंदे को ना अभी तो फिर आपको फिड्डे विड्डे भी शुरू हो जाते हैं उसके बाद आयशा हमारे साथ है मुल्तान से कहती बेवफाई कहने में एक लफ्ज़ है लेकिन इस लफ्ज के एहसास उनको होता है जिनके साथ जो है वो बेवफाई हुई हो और अब भी ऐसे लोग जो इस वक्त शो सुन रहे हैं होगा जिनके जिनके साथ बेवफाई हो चुकी होगी उनकी आंखों में जो है वो नमी जरूर होगी ओके क्या बात है जी और सॉन्ग की उन्होंने कोई रिक्वेस्ट भी की है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए जो है वो गाना चला दूँ वो कहें क्यों मेरा नसीब ऐसा लिखा अच्छा मैं पूरी कोशिश करता हूँ आयशा लेकिन अगर कोई मैं और भी गाना चलाऊँ तो उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा ना सुकून कर लीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि वही शायद आपके लिए गा रहा है लेकिन आपकी बात जो है वो देखिए मैंने आपका पूरा इतना तीन लाइनों का SMS पूरा पढ़ लिया मैंने कराची से हमारे साथ समीना है जब कोई बेवफाई करता है तो आप ठीक बोल रहे हो कि काफ़ी जो है वो काफी रात के साथ दोस्ती हो जाती है ओ ओ यस 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 पक्की दोस्ती होती है भाई अच्छा रात के साथ जो है वो दोस्ती हो जाती है और अल्लाह के साथ भी दोस्ती हो जाती है तो यार हमें ये दोस्तियां पहले भी कर लेनी चाहिए जरूरी नहीं है कि बेवफाई के बाद ही कर दी है साजिद अली चुगताई हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट दादू सिंध से अरे यार हम लाइव सुन रहे हैं सिंध के अंदर वाह क्या बात है वो भी दादू के अंदर और वो कहते हैं कि गाना जो है वो प्ले करें जी गाने में बिल्कुल प्ले करूंगा काशिफ फैसलाबाद से है अगर कोई आपको धोखा दे तो आपका दिल जो है वो करता है क्या आप उसको पकड़ कर धोखा दो ओके आप भी उसको जो है वो धोखा दो रीबा हमारे साथ है सलाम सलाम जेमी जेबी भाई ओके जी कहती है फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ एंड अ ग्रेट शो बेवफा करे तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए अपनी जिंदगी आगे जो है वो चलानी चाहिए और आई थिंक प्रॉब्ली उसी तरह की ना उन्होंने कहा है कि क्योंकि दुनिया के अंदर आपके लिए और बहुत कुछ आगे जो है वो पड़ा हुआ है और वो बेसिकली तो जिसने बेवफाई की उसको मालूम होना चाहिए कि उसने कितनी बड़े लोग किसी को खोया है अस्सलाम वालेकुम जैसे ये शो इज़ इन्फेस्टिंग या इंटरेस्टिंग कहना था अच्छा इन्फेस्टिंग पॉजिटिविटी पॉजिटिवली ओके और वो कहते सेकेंडली जो है वो डिसीव जस्ट सेकेंडली इफ डिसीव
just walk away or dua and stay away. Say ameen for that. Absolutely, ji, bilkul isi tarah se jana hai. Lahore se Ashu Rehman Mughal hamare saath hai, mera dost Arsalan hai, aur wo always jo hai wo meri dosti ko galat samajhta hai, aur ho sakta hai ki wo aapka show sun raha ho. Yaar agar wo show sun raha hai to please Ashu jo hai wo the one, socho zara aaj ki zindagi ke andar kaun apne dil ki baatein kisi ke saath share karta hai, but she is the one ke jo tumhare saath itna pyar karti hai yaar ki jisne hamare saath ye baatein share ki hai. Taiba kehti hai big hi to you, big hi to you too girl, strong girl, but kehte hain ki kehte it's been almost 3 years and still sometime I feel jo hai wo helpless feel karti hu. It is a difficult at least for me ke kisi ko jo hai wo bhul jaun. Fahad Umar hamare saath hai Jalalpur se jo hai wo aap bhi hame sun rahe hain. Islamabad se kaun hai yaar, Islamabad se kaun hai ji hamare saath? Let's see, here we go. Fatima hamare saath hai. Fatima keh rahi hai Islamabad se ke Zebi mera jo hai wo mantra isse thoda sa different hai. Isse pehle ke aapko jo hai wo koi bewafai ya dodge aap ditch kare, aap usko jo hai wo ditch kar do. That's great bhai. To agar हो सकता है कि आपने जो सोचा है समझा है कि कोई आपको शायद डॉज कर रहे या करने जा रहा है या कुछ ऐसा जो है वो करने जा रहा है, तो वो ऐसा हो ही ना, तो इसका मतलब ये कि आप उस चक्कर में आप खुद ही जो है वो बाजी ले जाओ. क्या बात है गुड़िया, इस्लाम बत्ती है. अच्छा एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो हमारे साथ इस वक्त लोग हैं हमें सुन रहे हैं. द शो इज़ ऑल अबाउट कि वो बेवफा लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बेवफाई की है, आपको उनके साथ जो है वो कैसा बिहेव करना है, क्या उनको जवाब देना है उनकी बेवफाई का. सो बताइए हमें और छा जाइए, आ जाइए हमारे शो में. हियर वी गो विद द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग लेडीज़ एंड जेंटलमैन. कभी कुछ लोगों को मतलब होता है ना, आपने जैसे देखा कि मावेश याद को सितारा इम्तियाज मिल गया ना, हाँ मतलब सितारा इम्तियाज मिल गया और इम्तियाज हो गई, इम्तियाज की नहीं हो गई, इम्तियाज हो गई. हाँ इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लफ्जों को, थोड़ा सा भी एक छोटा सा विकरा चेंज होता है तो वो क्या से क्या हो जाता है, तो इसलिए जरा जो है वो हमने मुजरिम महरम जरा थोड़ा सा देने में दिस टाइम. मैं बात ये कर रहा था कि कभी कभी कुछ ऐसे गुरुज होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ बना ही देते हैं, तो महवेश को जो है वो अल्टीमेटली जो है वो सिंगर बना ही दिया है. शिराज ओपल बिगेस्ट क्रेडिट जो है वो शिराज ओपल को जाएगा. शिराज ओपल वैसे तो खुद भी सिंगर है लेकिन सिंगर से भी ज़्यादा अच्छे जो है वो कंपोजर हैं, और शिराज ओपल के बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सुन चुके हैं. इससे पहले मैंने आतिफ असलम का गाना जो पहली दफ़ा चलाया था वो भी उन्होंने कंपोज किया हुआ था. एंड राइट नाउ तू मेरा दिल तू मेरी जान, ये शिराज ओपल का इसमें तो कोई नहीं है किरदार, लेकिन इसमें जो है वो राहत फतेह अली खान साहब जो है उनके साथ है. सो एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग तू मेरा दिल. तू मेरा दिल
ga ma ba ma ga re ga re ga ma ba ma ga re ga re re pa da pa de pa re sa ni da 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 ni da 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 ni da re ma ni ni da 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 ni da 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 ni da ga re ni ni da 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 ni da 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 ni da re ma ni ni da 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 ni da 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 ni da ga re ni ni da 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 ni da 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 ni da re ma ni da ni da da re re ma ma da da ni da da re re ma एफ एम 103 पे सुनने वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे रेडियो फ्रेंड्स जो इस वक्त हमें ट्यून इन किए हुए हैं, आई रियली कैन अंडरस्टैंड. ये रात के लम्हे जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि बस सब कुछ जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है. कभी एक जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता, तो वो छोटी छोटी चीज़ अपनी अपनी धड़कन भी कभी कभी सुनाई देती है आपको. ख्याल पलटते हैं, वो जब सब कुछ आपको सोचते हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी. या रात की, ये रात की गहराइयों की, इस सुरमई रात की, इन आसमान के सितारों की. कभी जरा इन सितारों को तो देखें, ख़ास करके उनको, उस चांद को जो ऐसा लगता है आपकी तरफ देख रहा है. सो मेक ए कनेक्शन, मेक ए फ्रेंडशिप. तो वो लोग जो रातों के साथ दोस्ती करते थे, इस चांद के साथ भी तो कीजिए ना, इन सितारों के साथ भी तो कीजिए. बहुत से लोगों के कमेंट हैं आज, हम अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि कभी कोई बेवफाई करते कर जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अपने आज की दुनिया में फिर क्या करना चाहिए. तो बहुत से लोगों का है कि हम छोड़ देना चाहिए. कुछ लोग कुछ और तरह से सोचते हैं, कुछ कहते नहीं है हमें जो है वो. लेकिन कुछ लोग धोखे की जो है वो भी मिसालें भी देते हैं कि ये धोखा जो है वो ऐसा नहीं होता कि पलट कर वापस आता है. फिर आप भी कुछ खुशियों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए जो कर रहे होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी वापस आ जाती है. युसरा कमल हमारे साथ हैं. हाँ, युसरा कमाल हमारे साथ है मुल्तान से. ज़ेबी सलाम टू एवरीवन. बेवफाओं को मेरा एक ही मैसेज है, दूर फिट है. अच्छा यार, मैंने वो मुझे पता था कि ये चीज़ होनी है. युसरा मुझे पहले ही पता था आपने आना है शो में. तो मैं आपको पता, आप अगर मेरा शो ये वाला कभी दोबारा या इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ढूंढ के ना कहीं से सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा मैंने आपके बारे में पहले जिक्र किया हुआ था. तो बताया हुआ था. एनीवे, फहद हमारे साथ है. वो कहते हैं मेरी बेगम तैबा की जो है वो बर्थडे है, तो उनको जो है वो विश करते हैं. तैबा, हैप्पी बर्थडे टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जलालपुर पीर वाला से जो है वो फहद उमर है. सेलिब्रेट कीजिए और बहुत जबरदस्त से सेलिब्रेट कीजिए. डू व्हाटएवर यू कैन डू. वो तुझे बोले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है कि मीर. वो तुझे बोले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है बीर. आग लगा, खाक डाल, या ना कर नाम ना ले. हाँ, थोड़ा सा शायद मुश्किल हुआ है, मुझे रोमन में लिखा हुआ था इसलिए तो पढ़ना मुश्किल हुआ. आग लगा, खाक डाल,
یا نہ کر نام نہ لے. او ہو کیا بات ہے, یا نہ کر نام نہ لے. سو دیٹ واز اے بیوٹیفل بیوٹیفل پوئٹری, میر کی پوئٹری جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی تھی, اور اس کی ٹانگے وانگے میں نے اچھی کھینچی ہے. میں اب کیا کروں, شرمندہ سا ہی ہو رہا ہوں, اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. خرم رشید ہمارے ساتھ ہے فیصل آباد سے. خرم, بٹ میں پھر کبھی اچھا کوشش کیا کریں گے یار, جب آپ رومن میں پھر لکھتے ہیں نا تو یوزلی میں ہی نہیں بولے, جتنا مرضی کوئی بڑا تیس مار خان بھی آ جائے گا نا تو اس کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہوگی. تو اس لیے آپ یا تو اردو میں لکھ دیا کریں یا انگریزی میں لکھ دیا کریں کچھ نہیں نا. تو یہ اردو میں ہے تو آپ اپنا ٹائپنگ سمپل, ہاں فٹافٹ سے یار آپ کر رہے ہیں اردو میں لکھا کریں. توفیق جھٹ بھائی کیا حال ہے آپ کا, اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی بہت بور کرتی ہے کسی نے جا کے. او یار زندگی جن لوگوں کی ہو گئی ہے بور, تو وہ کوئی ان کے اندر کیا مسالہ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے آپ بتا دیں ذرا, حرارت آئے کوئی زندگی میں, کوئی نیا اسپائس آئے, کیا کر چاہتے ہیں یہاں پر. شبنم ملتان سے ہے اور کہہ رہی ہے ویری نائس شو بے وفا. وہ کہتے ہیں بیوہ ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں جو محبت کے نام پر بیوی کو دھوکہ دے دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, شبنم ملتان سے ہم نے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ٹائپ لکھ کے بھیجا ہے بے وفائی کے اوپر. اب وہ پتہ نہیں آپ بے وفائی کے اوپر اب کیا کچھ دینا چاہ رہی ہیں. کہتی ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں ایگزیکٹلی, تو بے وقوف ہوتے ہیں نا, مطلب ان کو لگتا ہے کہ وہ کوئی جہاں پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ گین کر رہا ہے تو کہیں وہ گین نہیں بلکہ لوز بھی کر رہا ہوتا ہے. سفینہ آپ کا بہت بہت شکریہ فار لائکنگ دا شو, کراچی سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. فہد عمر ہمارے ساتھ ایک بار سے. کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کا دل نہیں کرتا. اچھا اب یہ شکایت میرے سے تو نہیں یار ہو سکتی, میں نے تو آپ کو بڑی اچھی ڈیڈیکیشن بھی کر دیا, اور آپ کی وائف جی کے لیے جو ہے وہ ہم نے گانا بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, ہاں پکا والا ڈیڈیکیٹ کیا. اوکے دوستو بتائیے فٹافٹ سے جو ہے وہ کون ہمارے ساتھ ہیں, کہاں سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج موڈ میں جا کے ایف ایس ڈی لکھیں, ایک اسپیس دیں, اپنا خالی نام لکھیں, اپنا شہر لکھنا چاہیں تو لکھیں, اور آپ ہمیں لکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ. آج آپ کو ایکچولی موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس کو سامنے کھڑا کر دیں گے آپ, تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں, ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈال دیں گے کیا, مطلب کیا کریں گے آپ, اس کو زیادہ گرم چائے کے اندر اس کا ہاتھ ڈالیں گے, کیا کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو. آئیے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اپنے دل کی بات ہے, 6278 پہ آپ ہمیں میسج کیجئے, زیبی آفیشل پہ آپ لوگ ہمیں ٹویٹر انسٹاگرام فیس بک پیج پہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے کامنٹ ہمیں دے سکتے ہیں, اپنے کامنٹ دیجئے, اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہیئر وی گو ود دا سانگ ہمیشہ, اینڈ دس ٹائم عزیر جسوال ود مومنہ مستحسن. آ جاؤ گانا یار, کہاں پہ رہ گیا, فائنلی اوکے جی آ گیا گانا.
زخم کیوں نہیں بھرتے, تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے, میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں. کوئی تمہارا سفر پہ گیا تو پوچھیں گے کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں, کہ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں. So, دوستو, we are absolutely back in the show, and a beautiful song, Hamesha by Uzair Jaiswal and Momina Mustahsan. I feel so good, matlab jaise hamari sari cheezon mein, hamare yahan hamari mukhtalif fields mein hame bahut sari khawateen kuch kar rahi hain. That is exactly the power actually jo in khud khawateen ki hain. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاپ اسکرین میں, ہمارے میوزک میں بھی جو ہے وہ بہت ساری خواتین لیڈ کر رہی ہیں. اگر آج میں ہم مومنہ مستحسن از ون آف دیم, اف یو ہیو سین دا ویڈیو اینڈ دا سانگ باری ہے, تو مطلب تو پاکستانی بگیسٹ ہٹ ہے. تو بہت سارے مرد سنگرز کے بعد جو ہے وہ بھی ویمن آلسو ٹیکنگ پلیس فار دا میوزک ٹو, جیسے جیسے وہ اپنی ایکٹنگ کے اندر, فلمس کے اندر جو ہے وہ دے رہی ہیں, تو میوزک کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا کر رہی ہیں. تو اوکے جی, سو دیٹس آل اباؤٹ, بیکاز میں اس لیے کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ سی چوائسیز جو ہے وہ ہوتی ہیں. جب بھی ہم کچھ پلے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم ابھی کیا پلے کریں, ابھی کیا پلے کریں, تو وہ ہماری لمیٹیڈ چوائسیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں. یو آر لسننگ ٹو ماس ایف ایم 103, مائی نیم از زیبی اینڈ سینگ ہائی ٹو ایوری ون. بہت سے لوگ ہیں جو ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ یار میں میسج کروں گا تو کیا ہو جائے گا. تو میسج کریں گے تو آپ کے کامنٹ ہمارے شو میں آئیں گے, ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں. تو شرمانا ختم اور اپنے اپنا کام کرنا شروع. تو آئیے اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج موڈ میں, کوئی کال نہیں لینی, بلا وجہ ضائع نہ کریے گا اپنی چیزوں کو, کال نہ کیجیے گا. میں کال نہیں اٹینڈ کر رہا ہوں, میں ویسے یوزلی بھی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہوں. میں جب بھی مجھے کوئی کال آتی ہے یا میں اس کو لائیو کال لیتا ہوں, میں آف دا ایئر کوئی بات نہیں کرتا ہوں. یہاں کسی کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ مجھے میسج کرے ہمارے پورٹل کے اوپر یا پھر ہمارے سوشل میڈیا پہ کرے, تو میں آف ایئر کال جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لیتا ہوں. تو اس لیے لائیو کال بھی نہیں لے رہا ہوں, تو آف دا ایئر کال بھی نہیں لے رہا ہوں. تو صرف آپ ہمیں میسج ڈالیے اور اپنے موبائل سے میسج کیجیے, جہاں سے بھی میسج کرنا لکھتا ہے. اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج بورڈ میں FSD لکھیں, ایک اسپیس دیں, اس کے بعد اپنا نام, اپنے شہر, اپنی بات لکھ کے سینڈ کریں 6278 پہ. ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی بے وفائی اگر آپ سے کر لے, آپ کرے, تو آپ کیا اس کو سزا دو گے, آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ. اچھا, سزا وی آر ایکچولی تھوڑے سے یہاں پہ ججمنٹل ہو رہا ہوں میں, تو میں سزا کا ورڈ کاٹ دیتا ہوں, بیکاز اس میں تو اسٹریٹ آ گیا. ہو سکتا ہے آپ نے اس کو معافی کرنا ہو, آپ نے اس کو چھوڑنا ہی ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے تو آپ کو اچھا شکر ہوئے جان چھوٹی اس سے. ہاں, مے بی ون ریزن از دس, لائک جیسے ابھی کسی نے کہا تھا کہ مطلب یہی ہو جاتی ہے. فرد ملک ہمارے ساتھ ہے, فریا ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد سے, تھینک یو سو مچ فریا آپ فار لسننگ ٹو دا شو. کہتی ہیں کہ یہ آواز مل سکتی ہے, آواز نہیں ریکارڈنگ مل سکتی ہے, تو ریکارڈنگ کے لیے آپ سرچ کریں ہماری سوشل نیٹ ورکس یا دوسری چیزیں. آواز آپ کیسے یہ لینا چاہتی ہیں بھائی, آواز تو بس, ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے آواز جنہوں نے ہمیں یہ دی ہے. مجھے تو کبھی کبھی پھٹے ہوئے اسپیکر لگتے ہیں, لیکن آپ کو اچھی اچھی آواز لگتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. ہاں, بہت شکریہ آپ کا. لاہور سے ارسلان ہے, ارسلان آشی نہیں میری نہیں, اچھا وہ کہتے ہیں کہ ارسلان ہمارے ساتھ ہے, گل ہمارے ساتھ ہے لاہور سے. آگے ہے, تو میرا وقت زوال تھا اف مگر کمال تھا. خرم رشید ہمارے ساتھ ہے جی, یہ خوبصورت سے دو مصرے کے ساتھ نا. لاہور سے جو ہے وہ ارسلان کہتے ہیں, آشی نہیں میری پیاری جگری دوست, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, ارسلان آشی کو کہہ رہے ہیں. آشی, اوہ ابھی آشی نے جو ہے وہ ہمیں ایک میسج کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ارسلان جو ہے وہ میں بھی آپ کو سن رہے. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی جی, کیا بات ہے, دیکھیں محبتیں جڑ رہی ہیں, لوگوں کے اندر سے اختلاف دور ہو رہے ہیں, اینڈ وی آر بیکمنگ ون ریزن لائک مے بی شاید اسی طرح سے. تو ارسلان صاحب آ گئے ہیں جی, انہوں نے کہا کہ آشی نہیں میری پیاری, شکر ہے آپ نے میری پیاری جگری دوست کہہ دی, میں نے تو کچھ نہ کچھ ٹھوک دینا تھا اس کے, نہیں میری پیاری کیا کہ میں نے کچھ کہہ ہی دینا تھا. اچھا, انہیں بولا کہ نہیں میری پیاری جگری دوست, کوئی بات نہیں, میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو کوئی دکھ دوں, سو پلیز ٹرسٹ می اینڈ تھینکس
شو میں ایڈ کرنے کے لیے. اے ارسلان آپ کی جو ہے وہ بات آ گئی ہے. تو ارسلان آئی فیل دیٹ ارسلان از اے گڈ گائے, اور مجھے لگتا ہے کہ اچھے دل کا بندہ ہے. ہاں باقی اللہ کے اوپر ڈوریاں چھوڑو یار, کسی کا نہیں کچھ پتا ہوتا زندگی کا. تو لیکن یہ ہے کہ کسی کے اوپر اعتماد کرو کرو, اگر وہ کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے اس میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہے, اس میں اس کی کمی ہے. اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یو نو جو بھی کوئی ہے اگر وہ فرض کرو ایسا کر رہا ہے نا, تو اگر وہ فیل کر رہا ہے کہ یار اچھا نہیں میں کچھ دیر کے ایسا تو کر لیا ایسا تو کر لیا ایسا تو نکل جاؤں گا, ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے. اینڈ ہی ہیز ٹو پے دا پرائز فار ٹو. کراچی سے سعد ہے, خوشبو جائے سے جانے سے لوگ ملے افسانے میں. اچھا ایک پرانا خط کھویا انجانے میں. ہاں ہاں ایک مجھے خط کھولا انجانے میں, یار کھویا نہیں کھولا انجانے میں. کیا بات ہے یار, پرانے جو ہے وہ چیزوں سے کبھی کبھی بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں. ماریا ہمارے ساتھ ہے, بول کفارہ کیا ہوگا. اچھا جی یہ سارا گل کا نا, تو سارا کو ہم کسی دن شو میں لے کے آئیں گے نا سارا گل کا, تو پھر ہم اسی سے سنیں گے یہ بول کفارہ کیا ہے. امات العلیم ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ می. ملتان سے اسد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سو کہتے ہیں بی پازیٹیو جی سب لوگوں کو. لے جی میرا تو پازیٹیو نہیں ہے, میرا تو اے بھی نیگیٹو ہے میرا. اچھا آج کل سوچ رہا ہوں ویسے میں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. کراچی سے کون ہے بھائی؟ Okay, دوستو تھینک یو فار لسننگ ٹو دا زیبی شو. ون سانگ مینز اے لاٹ ٹو می, مجھے بہت کچھ سالوں میں بہت اس گانے کو سنتا رہا ہوں, تو انجوائے کیجیے. سو دوستو دس ٹائم اٹ از دوریاں. یہ دوریاں ان راہوں کی
फासला बस फासला रहे बन के कसक जो कहे वो और चाहत ये जवान तेरी मरी इतना प्यारा कैसे हो सकता है फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है तुझसे मिलके भी उदासी कम नहीं होती तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है और क्या बात है जी रिमशा रैम हमारे साथ है सानिया हमारे साथ है आमना हमारे साथ हैं आमना अहमद हमारे साथ है वन मोर आमना है अच्छा जी बहुत शुक्रिया आमना अहमद जी सलाम असलम साहब हमारे साथ है असलम क्या हाल है जी आपका ज़ेबी भाई आप जो है वो आप हम वो हमेशा बेवफाई करता वो कदर ही करता है और किसी के दिल में जो है वो जगह बनाकर उसे मत छोड़ना चाहिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए एब्सोल्युटली राइट जी मुस्फिरा हमारे साथ हैं कहते हैं पाकिस्तान हेलो पाकिस्तान हाउ आर यू आई एम एब्सोल्युटली फाइन आपके शो बहुत ऑसम है अगर कोई मेरे साथ बेवफाई करे तो मैं अपनी लाइफ से बहुत हैप्पीली आउट करूँगी उसे ओके जी That's good, yeah. मतलब even move on जिंदगी की दूसरी चीजों के लिए इमातुल अनीम saying nice show और ये सारे लोग हमारे सोशल नेटवर्क पे जो हैं especially for the Zebi official पे वो लोग भी जो नहीं हैं वो भी फटाफट से आ जाइए लाइक द पेज इवन गो फॉर द इंस्टाग्राम फॉलो देयर ट्विटर पे जाइए जो लोग हैं अगर वैसे बहुत कम होंगे मुझे पता है लेकिन ट्विटर हैंडल मेरा Zebi official है ZEBIOFFICIAL तो Zebi official इकट्ठा लिखिए वहाँ पे जाके अपने कॉमेंट डालिए खास करके जिनको थोड़ा सोशल पॉलिटिकल कुछ चीजों का थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो जरूर हमारे साथ जाइए सानिया नीम भी नीलाम हो जाती है बाजारे इश्क में इतना आसान नहीं किसी को भूल कर सो जाना एग्जैक्टली यार एक चीजें जो है वो खोती हैं जब जिंदगी में कोई दर्द परेशानी होती है तो एक नींद आपकी बहुत जो है वो कहीं पर खो जाती है अली हसन बट है थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो असलम वंस अगेन है शो दिस इज दूरियां अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग ओके जी दूर होने वालों पर जब दूरियां पड़ जाएं और फिर आपको पता है ट्रेन की जैसे पटरियां होती हैं ना तो मतलब
جہاں پہ دو سڑکیں جو ہیں وہ مطلب کبھی کبھی وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک سڑک جو ہے وہ دو سڑک ہوتی ہے. اچھا دا مومنٹ جو وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں آپ کو لگ تو یہ رہتا ہے تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے ہمارا نا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فاصلے جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کتنے بڑھ جاتے ہیں, معلوم ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ وہ کون سا پچھلا اسٹاپ تھا جہاں پہ ہم کبھی تھے اکٹھے ساتھ, تو ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. تو یہ شاید زندگی کی کہانی ہے. تو دوریاں جو ہے وہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑی بڑی ہوتی ہیں باتیں, اور پھر بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ اور بڑی ہو جاتی ہیں, پھر ہم ان چیزوں سے کہیں آگے دور نکل جاتے ہیں, اور یہ دوریاں بڑھتی بڑھتی سائم پتہ نہیں کہاں تک نکل جاتی ہیں. سائم تھینک یو سو مچ فار لائکنگ دا شو. نیہا تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. شراز صاحب, ڈاکٹر شراز صاحب, ڈاکٹرس یو نو ان اے ویری کریٹیکل ٹائم یو آر گیونگ یور بیسٹ, اینڈ آئی ایم شور کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے کرتے رہیں کہ جہاں پہ بھی جس کو کہیں پہ بھی کوئی موقع ملے کسی انسانیت کے لیے, انسانوں کو بچانے کے لیے, تو وہاں پہ آئی تھنک اس کو اپنا پورا رول پلے کرنا چاہیے. دیٹس آل فور آج. میں تھوڑا سا نا مطلب اس کو موڑتا ہوں, اب بس دوریاں, بے وفائیاں اور ان کے ساتھ کرنے والے سلوک جو ہیں وہ, اٹس آل آن یو یار, آپ جیسے بھی سوچتے ہیں. بٹ آئی ٹرولی بلیو از دس, کسی نے بڑا زبردست کہا تھا کہ واٹ ایور جو آپ اپنے آپ جو جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کی بیسکلی آپ کی زندگی کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے حلف ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ اس سے علاوہ جا کے کہیں پہ جو ہے وہ نہیں ضرورت ہوتی کہ جی آپ نے کوئی حلف دینے ہیں کچھ. تو اینی تھنگ جو آپ نے کہیں پہ کہہ دیا وہ آپ کی زندگی میں آپ کی کمٹمنٹ ہے, تو ایون گو فار یور کمٹمنٹ اینڈ دا تھنگس جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می, مائی نیم از زیبی. Listening Mast FM 103, my name is Zebi and saying hi to everyone. Song jo abhi I just give you a little blueprint of the song and abhi aapko ye gana pura hum sunayenge, to isliye do not go anywhere, enjoy another beautiful super song of the show, and this time it is ladies and gentlemen main rahu ya na rahu tum mujh mein yahi baki rehna, so enjoy, here we go. Complicated.
सदा सुनते रहना बस इतना तुम से कहना बस इतना है तुम से कहना बस इतना है तुम से कहना बस इतना है तुम से कहना कोई अजनबी है जो अपना सा लगता है कि फ्रेंड नहीं ज़ेबी कहते हैं मुझे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आने का डर कभी दिल से गया मस्त एफएम 103 एंड दिस इज ऑल अबाउट द ज़ेबी शो के खस्ता कागज संभाल रखना हिसाब होगा गुजर जाऊंगा तुमको देख अचानक छोड़ ना जाना देख अचानक छोड़ ना जाना पहले मिलना कम करना फिर सूरज ढलने के लम्हों में मुझसे मिलने मत आना फोन पे रात को शर्मिंदा शर्मिंदा बातें करना मेरा नाम और मेरे फिक्रे मत दोहराना मेरे पसंदीदा रंगों को भूलते जाना फरमाइश करने में लंबे लंबे वक्फे करना चूड़ियों की दुकान से गुजरते थक से मेरे कांधे पर तुम अपना नरम सा हाथ ना रखना चलते चलते देख लिए जाने के शक से डरना अक्सर वादे पर ना मिलना जब तुझको ना छूने देख ना लेने की आदत सी हो जाए ना तब यूं ना करना कोई बहाना बनाकर आंखें नम करना कोई बहाना बनाकर आंखें नम करना पहले मिलना कम करना Somebody was sending कि कैसे जो है वो जिंदगी में किसी के लिए जाना हाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है मतलब ड्रंक करके जो है वो कोई किसी की जिंदगी में चला जाता है ऐसा ही होता है जैसे आपकी इमारत जो है वो कोई टूट नहीं चाहे तो इसलिए जो है वो कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं अगर वो कहीं पे मार भी दें ना तो वो फेंकते वहां पे है जहाँ पे चाहे थोड़ी सी छाव होना तो ये भी मारने का दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना तरीके से छोड़ना किसी दूसरे को सो एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज ऑल अबाउट माय शो आज के अंदर जो बेवफाई खत्म भाईजान सारी कहानियां खत्म सिर्फ हमने सोचा कि यार वो लोग उनको जरा पता लगे कि लोग कितना हार्श बिहेवियर रखते हैं उनके लिए कुछ लोग छोड़ भी आपको देते हैं लेकिन यू मीन लाइक अगर कोई थोड़े लम्हों के लिए कोई ऐसे आपको छोड़ भी दे तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई वो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो शायद वो उससे आज़ाद हो जाए फिर भी जो है वो एक गिल्ट आपके साथ जो है वो चलता रहता है परेशानी जो है वो आपके साथ चलती रहती है तो दिस इज़ ऑल अबाउट तो किसी को दिलों को ना दुखाइए यू नो इस दिल में रहने वाला जो है ना वो ऊपर वाला है तो इसलिए दिल को बिल्कुल भी नहीं जो है वो दुखाना चाहिए सो दैट विल बी सो बैड और शायद ये जो है वो कोई बुरी बात जो है वो न जाने ज़िंदगी में आपके सामने किस तरह से सामने आ जाए तो इसलिए जो है वो सोचते रहिए और
بس پھر سوچتے رہتے ہوئے جو ہے وہ کچھ وہ ہی کرنے کی کوشش کیجیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر کرنا چاہیے. تو بے وفاؤں کے لیے آج کا شو تھا, ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. نائلا آپ نے ہمیں اپنے کامنٹ بھیجے, ہمارے پاس ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ فار بینگ ود می. بہت سے لوگوں کے لمبے لمبے میسیجز ہیں. کامران علی خان صاحب کراچی سے ہیں. کامران آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ تجھے بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی یہ لازم ہے کہ تو بھی شاید اسے بھول جا یا کچھ ایسا. ہاں کراچی, اینی وے آپ کا پورا میسج نہیں مجھے ملا. زید صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے, زید آپ کا بہت بہت شکریہ. اسما لاہور سے ہے, شی از سینگ بیسٹ بیسٹ شو, آئی ریلی انجوائے, تھینک یو جی اسما جی. روہی ہمارے ساتھ ہے. بعض لوگ بے وفائی جان بوجھ کر نہیں کرتے بلکہ وقت اور حالات جو ہے وہ ان کے ساتھ کراتا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ فور دس. اچھا جی, فریڈرچ ہمارے ساتھ ہے. فریڈرچ پال ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. فریڈرچ تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ وتھ می, آپ کا شکریہ. آئی ڈیڈیکیٹ دس سانگ ٹو یو, آئی ڈونٹ نو یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ, بٹ یہ آپ کے لیے ہے. آپ کو پکا پورا والا سنائیں گے بھائی. ساجد علی چختائی صاحب دادو سے ہمیں سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے بے وفا لوگوں کے اوپر. سو اینی وے دوستو, یہ ہمارے بے وفا دوست لوگوں کی کہانی تھی, دوستوں کی تو نہیں تھی, لوگوں کی کہانی تھی. اینڈ آپ بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا, دھیرے دھیرے قدم رکھیے اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو بی ٹرو اینڈ ٹو گیو یور بیسٹ ٹو دا ون یو آر کنیکٹڈ. اوکے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سو دوستو, یہ ہمارے آج کے شو کی کہانی, اور اس گانے کے بعد جب میں آؤں گا نا تو میں آئی تھنک سائن آف کروں گا, لیکن سائن آف کے بعد میں آپ کے لیے دو تین بیک ٹو بیک بڑے زبردست گانے جو ہے وہ چھوڑ کے جاؤں گا. تو اس لیے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, یہ بھی نہیں فیل کرنا کہ میں تھوڑا جلدی جا رہا ہوں. تو آپ آ جائیے بس فٹافٹ سے, اور ابھی جب آپ اس گانے کے اس پار آئیں تو آپ اپنا میسج مجھے تک ضرور پہنچا دیجیے گا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری ہمارے شو کا سپر ڈوپر ہٹ گانے ہیں وہ میں نے آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں. اور وہ کن کو ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں جن کے نام میرے پاس آئیں گے. تو ون از کہ اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج موڈ میں جائیں, ایف ایس ڈی لکھیں, ایک اسپیس دیں, اور اس کے بعد خالی اپنا نام لکھ کے مجھے سینڈ کر دیں 6278 کے اوپر. اوکے, 6278 پہ اپنا نام سینڈ کر دیں, اپنا شہر کا بتا دیجیے. آلٹرنیٹیولی گو فار دا زیبی آفیشیل, وہاں پہ جا کے لائک کیجیے 24/7 اف یو وانٹ ٹو سی مائی ڈب اسمیش, میرے میوزک ویڈیوز, ایون وی لاگس, ان سب چیزوں کے لیے آپ مجھے ٹریک کر سکتے ہیں زیبی آفیشیل پہ, انسٹا پہ, یا پھر جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر. تو اپنی باتیں آپ شیئر کر سکتے ہیں, اپنی سجیشن دے سکتے ہیں فار دا شو اینڈ اینی تھنگ یو وانٹ, تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. سو مایا از دا ون, وہ کہتے ہیں کہ تیرے بے وفائی پہ اکثر سوچتے ہیں, تجھے بھلا کے پکڑ کے اونچی پہاڑ سے نیچے گرانا ہے. اچھا, تجھے زور بلا کے کہیں جو ہے وہ پکڑ لیں اور پھر اونچی پہاڑ سے جو ہے وہ نیچے گرانا ہے. کیا بات ہے یار, بڑی ریونج کی جو ہے وہ ان کی نا طبیعت تھی مایا کی. مایا اوکے جی, آپ کی جو سجیشن ہے وہ لوگوں تک بالکل پہنچ گئی, آپ خیال بھی پہنچ گیا لوگوں تک. کیا ہے, سو انجوائے دس بیوٹیفل. رومان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ خرم رشید ہیں, سعود ہمارے ساتھ ہیں, شازل ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. آئی ڈیڈیکیٹ دا بیوٹیفل بیوٹیفل ریکارڈ ٹو یو. اور ابھی بھی آپ مجھے کریے, کیونکہ اس گانے کے جب دوسری سائڈ پہ میں نے آنا ہے تو پھر میں آپ کے میسیجز اور اپنی کی باتیں لوں گا. مائی نیم از زیبی, آپ کو کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا.
talk of old time, what I say, yaar, you know, Pakistan ki, I think shayad bahut sare wo log jo 80s 90s mein jinhone jo log jawan hue na to unki jawaniyon ki jo hai wo yaadein inke saath hongi. Zuhaib Hasan, once again, unne aaj ke logon ke liye bhi jo hai wo ye khayal dobara se diya. It's a beautiful, beautiful song, and I'm sure aap logon ko bhi acha hoga. Kinza Fatima hamare saath hai, Saad hamare saath hai, Sunny, thank you so much, Maryam Majid hamare saath hai, Shama ji and Fiza, aapka bahut bahut shukriya for listening to the Zebi show. Yaar, aaj jin logon ke naam koi reh gaye hain, jin logon ke message main nahi le saka, phir aap kisi waqt mein zarur lunga. Mohammad Alam hamare saath hai, Mohammad Alam from Gilgit, very nice to, thank you so much. Gilgit se aap hume sun rahe hain, ye pata nahi kisi aur shehar mein hai. Mohammad Mehndi hai, Zebi kya haal hai aapka, bewafa logon ko maaf kar dena chahiye. Yes, exactly ji, kabhi kabhi jo hai wo kuch log apni zindagi mein maaf karke aage nikal jate hain, lekin ये उनका ज़र्फ है. कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो किसी का ज़र्फ था जो उसने किया, आप अपना ज़र्फ किसी को दिखा दीजिए. सऊद आशिक हमारे साथ है, आलम हमारे साथ वंस अगेन है, सफीन आप हमारे साथ हैं, सफीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इब्राहिम हमारे साथ हैं, और वो कहते हैं हमें पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि वाकई में आप जिस शख्स को बेवफा कहने जा रहे हैं कि वो वाकई में बेवफा भी आएंगे. ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट. एक्चुअली ही इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कहीं कोई मजबूर ना हो, या वक्त हालात के धारे जो हैं वो कहीं आपको ऐसे ना ले जाते हैं जहाँ पे आप अपनी वो चीज़ नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी के अंदर. ओके जी, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट इन समवेयर. हुसनैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिहान आपका शुक्रिया, आसिफा आप हमारे साथ है, शमील आपका शुक्रिया, विदा हमारे साथ है, वी मेहंदी साहब है हमारे साथ, और वेरी लास्ट हमारे साथ साइमा राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, एंड डू योर बेस्ट कि उन लोगों का भी ख्याल करें जो आपका ख्याल नहीं रख पाते, बिकॉज आज आप अगर उनका ख्याल रखेंगे, आई प्रोमिस यू अ डे विल कम, वो भी आपका बहुत ख्याल रखेंगे. सो लव यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट.
की याद में